शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में हिंदू छात्रों को होली मनाने से रोकने का मामला सामने आया है, जिसके मद्देनजर यहां पर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने जमकर विरोध जताया। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर होली का पावन त्योहार मना रहा है, उसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है और पाकिस्तान में होली मना रहे हिंदू बच्चों पर कहीं ना कहीं जो हमला है वो यहां पर किया गया और उसके खिलाफ शिवसेना यहां प्रदर्शन कर रही है और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर बड़ी जो मांग है वो की जा रही है कि हिंदुओं पर हमले जो है पाकिस्तान बंद करे। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कोशिश करता रहा है कि वो कहीं ना कहीं हिमाकत कर जो है वो यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश करता है। एक बार फिर से जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और मैसेज यही है कि सभी लोग पाकिस्तान का और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बहिष्कार करें, क्योंकि लगातार वो कोशिशें करता रहा है और इसीलिए जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मांग एक ही की जा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अटैक करे और इस तरह से कार्रवाई जो है की जाए। जी क्या कहना जी, क्या पाकिस्तान का भी दहन किया है, चीनी सामान का भी दहन किया है, मकसद क्या है? देखिए, आज होली का दहन किया गया है, इसके अंदर बुराई का दहन किया जाता है। इस समय पाकिस्तान और चाइना दोनों पूरे विश्व के लिए एक बुराई साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान जहां लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, आतंकवाद का पनाहगाह बन चुका है, वहीं चाइना भी पाकिस्तान के नक्शे कदमों पर चल रहा है, लगातार आतंकवादियों को मदद दे रहा है। इसके साथ ही आज भी जो है होली के पावन अवसर पर, होली के पावन पर्व को हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं पाकिस्तान में। आज सुबह पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर हमला किया गया, जिसमें 15 हमारे हिंदू भाई जो है वो घायल हुए हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए आज हमने पाकिस्तान का यहां पर होलिका दहन किया है, चाइना के उत्पादकों का होलिका दहन यहां पर किया गया है और देशवासियों से अपील है कि जैसे हमारे जवान लगातार चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम बॉर्डर पर लड़ने तो नहीं जा सकते मगर चाइना उत्पादकों का बहिष्कार कर उसको आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान साफ तौर पर पाकिस्तान को और चाइना को आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं और पाकिस्तान में हिंदू मिनोरिटी पर जो एक बार फिर से कहीं ना कहीं होली के दिन हमला किया गया है उसको लेकर शिवसेना जो है पूरी तरह से यहां पर करा रुख अपनाए हुए है और पाकिस्तान का पुतला जलाकर, चाइना का पुतला जलाकर, चाइनीज प्रोजेक्ट जलाकर यहां पर संदेश दे रही है कि चाइना और पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिशें कर ले बट भारत, अखंड भारत की जो नींव केंद्र सरकार ने रखी है उसको ये कामयाब रखेंगे। जर्नलिस्ट चांडोगरा के साथ नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजत कोरा। चलिए आगे बढ़ेंगे और मेघालय में कॉनराड संगमा ने दूसरी